वर्ल्ड के सभी देशों का एक ही गोल है, कोई ऐसी एनर्जी डेवलप करे जो कि कभी खत्म ना हो, आजीवन चलता ही रहे। इसलिए चाइना ने अपना आर्टिफिशियल सन बनाया, जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर 120 मिलियन सेंटीग्रेड है और उस टेम्परेचर को 101 सेकंड तक रखा गया। जबकि सूरज की बात करें तो उसका टेम्परेचर 150 मिलियन सेंटीग्रेड है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक एटम के न्यूक्लियाई को रिएक्ट कराकर एक न्यूक्लियाई बनाया जाता है। इसमें काफ़ी एनर्जी रिलीज होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाले समय में हम लोग अपना सूरज का छोटा भाई आर्टिफिशियल सूरज को देख पाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको ऐसा लगता है तो।